अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन बने, लायन जब घायल हो जाता है ना तो बहुत डेडली हो जाता है। यंगस्टर्स से तुम हार्दिक पांड्या मत बनना। तो हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ताऊस रिजवी व्लॉग्स पे। मैं ताऊस रिजवी एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट, एक क्रिकेटर, एक यूट्यूबर भी अब। बट दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। मैंने कुछ दिनों पहले एक प्रेडिक्शन किया था, एक एडवाइस दी थी सिलेक्टर्स को कि भाई हार्दिक पांड्या को आप कप्तान बनाइए, और कप्तान दोस्तों बन गए वो T20 सीरीज आयरलैंड के सामने, और उन्होंने जिता दिया। दोस्तों मेरा वो प्रेडिक्शन जो था बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। वो उनके IPL टाइटल जीतने से एक महीने पहले मैंने कहा था कैसे पोटेंशियल दिखा रहे हैं हार्दिक पांड्या, और कैसे अगर उनको कप्तान बनाएं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, और उन्होंने उनको बनाया कप्तान। दोस्तों ये एक प्राउड फीलिंग होता है ना जब आपका एडवाइस या जब आपका सजेशन सीरियसली लिया जाता है। मगर जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो सटीक निकला। आई बिलीव हार्दिक पांड्या हैज़ द फ्यूचर एज अ कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम इन ऑल द 3 फॉर्मैट्स। और रोहित शर्मा जो इस वक्त तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं, वो उनका फॉर्म भी थोड़ा ऊपर नीचे था। बट दोस्तों ये वीडियो उस बारे में नहीं है। थंबनेल में समझ गए होंगे कि अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन बने सारी फॉर्मेट्स के लिए तो क्या फैक्टर्स हैं जो सुपर्ब लीडर बना सकता है। आई हैव लिस्टेड डाउन दीज पॉइंट्स, और शायद ही आपको मदद करे जानने में हार्दिक पांड्या के बारे में व्हाई ही कैन बी द नेक्स्ट कपिल देव। मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स है जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हिज टीममेट्स दैट कैन मेक हिम अ वेरी वेरी गुड कैप्टन। सबसे पहला सटीक पॉइंट है एक्स फैक्टर जिसको हम मानते आए हार्दिक पांड्या के पास रहा है जब से वो मुंबई इंडियंस की सेटअप में आए हैं। उनके पास गेंदबाजी, उनके पास बल्लेबाजी है, ये तो भाई और भी ऑलराउंडर्स के पास रहती है, बट वो एक्स फैक्टर जो रहता है मैच विनिंग एक्स फैक्टर, वो सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या के पास है इंडिया में। और उन्होंने काफ़ी बार साबित किया है मुंबई इंडियंस के लिए, अपने बड़ौदा टीम के लिए और टीम इंडिया के लिए, कई बार पाकिस्तान के सामने टेस्ट मैच में। फिर उनके जो शॉट मेकिंग स्किल्स है, जो हार्ड हिटर है, एवरीबडी इज़ अ फैन ऑफ हिज बैटिंग। और तो उसके बाद जो गेंदबाजी है उनकी वराइटी, ही नोज हाउ एंड वेन टू बोल, ही डेफिनेटली हैज इट इन हिम टू बी द नेक्स्ट बिग ऑलराउंडर। एक घायल शेर है वो, लायन जब घायल हो जाता है ना तो बहुत डेडली हो जाता है। तो वही दिखा रहे हार्दिक पांड्या अपना 2.0 वर्जन। हार्दिक पांड्या इज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, और बहुत सारे डाउटर्स जो थे, जो हेटर्स थे, उनको क्वेश्चन करने लगे थे उनके लाइफस्टाइल को, उनके के जो इंटरव्यू को, उसके बाद से जो उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो है ना फ़ायदेमंद होती है, जो होने के लिए होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने बाउंस बैक किया है, 2.0 वर्जन दिखा है ये IPL में, खतरनाक। घायल शेर एंड ही इज देयर टू प्रूव, कितना डेस्परेट लग रहे हार्दिक पांड्या अपने आप को प्रूव करने के लिए कि भाई हार्दिक पांड्या इज एन एक्सट्रोवर्ट, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को जाहिर करते हैं, जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कोई भी क्रिकेटर के लिए। क्योंकि एक क्रिकेटर जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, शर्म नहीं होनी चाहिए अगर आपको परफॉर्म करना है, आपको डिलीवर करना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कि वो रिस्पॉन्सिबल नज़र आ रहे थे, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, उनको अपना आइडिया है एग्जैक्टली आपको कब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने ऊपर। कि एक फैमिली मैन जब हो जाता ना इंसान, उनके बच्चे हो जाते, शादी हो जाती, तो ही बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबल। हार्दिक पांड्या इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक वॉट ही रिस्पॉन्सिबल मैन, एंड ही वॉन्ट्स टू डिलीवर वेन इट मैटर्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने काफ़ी दिखाई है, चाहे वो अपनी IPL टीम के लिए। मैं IPL इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये उनका 2.0 वर्जन दिखाया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चाहे आउटसाइड लाइफ में हो या ऑन द फील्ड हो, ही इज डेफिनेटली शोइंग रिस्पॉन्सिबल स्ट्रीक इन हिज कैरेक्टर। ओहो, लीडरशिप, ये तो मैं हमेशा से जानता था, पावर लीडर है हार्दिक पांड्या। लीडर को जो है ना इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। जो मैंने पिछले पॉइंट में कहा आपको कि हार्दिक पांड्या इज समबडी हु इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, हु नोज हाउ टू एक्सप्रेस, इज नॉट अशेम्ड ऑफ टेकिंग बोल्ड डिसीजन। आपने देखा होगा गुजरात टाइटन्स के मैचेस में जब वो अपने 4 नंबर पे आए थे, मुंबई इंडियंस में वो 6 नंबर पे, 8 नंबर पे आते थे, मगर अब
गुजरात टाइटंस के बाद उनको एक लिबर्टी मिली, कैप्टेंसी मिली, लीडरशिप रोल मिला, तो उसके बाद बता दिया अपने आपको कि वो चार नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं, शुरुआत से लेकर आखिर तक बल्लेबाजी कर सकते हैं, उनको डिफेंड करना आता है, बिल्ड करना आता है इनिंग्स और एंड में मैच जिताना आता है। देखिए गुजरात टाइटंस जो थी एक नई टीम थी, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम गुजरात टाइटंस इन द फर्स्ट ईयर, पहली बार आई थी IPL में, और जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने लीडरशिप दिखाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, राशिद खान को यूज किया अपने गेंदबाज, देखिए एक नई टीम थी उसको बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप पहले सीजन में दोस्तों बिल्ड कर लिए, दोस्तों परफॉर्म कर दिए, तो आपका लीडरशिप स्किल्स कहीं और नहीं जाती, आप बता देते कि आप कप्तान हैं, आर यू बॉर्न टू लीड। के बाद आई इंडियन टीम की बारी दोस्तों, साउथ अफ्रीका टीम के अगेंस्ट उनको वाइस कैप्टनसी मिली थी, उसके बाद आयरलैंड के सामने दोस्तों, और जिस तरह से दिखाया उन्होंने अपनी कप्तानी आयरलैंड के सामने, दोनों मैचेस में आराम से जीत गए। सेकेंड मैच वॉज अ वेरी क्लोज वन, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की आयरलैंड ने, बट इंडिया ने जो डोमिनेट किया दोनों मैचेस में, जिस तरह से जीता 2-0 सीरीज, आई एम श्योर दिस विल डेफिनेटली गिव कॉन्फिडेंस, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू हिज लीडरशिप, एंड दिस प्रूव्स दैट हार्दिक पांड्या इज रेडी टू डॉन द हैट ऑफ कैप्टेंसी। अगर आप रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे तो आई थिंक हार्दिक पांड्या इज द मैन। इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, पहले करण जौहर के इंटरव्यू के बाद एक इवेंट हुआ था बॉम्बे में, संदीप पाटिल ने कहा था यंगस्टर्स से, तुम हार्दिक पांड्या मत बनना, डोंट बिकम हार्दिक पांड्या। अब क्या कहेंगे लोग, हार्दिक पांड्या हैज प्रूव हिमसेल्फ एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स राइट नाउ, मोस्ट एक्साइटिंग वन टू वॉच आउट फॉर। मिल गए हमको हमारे कपिल देव। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, आई होप अच्छा लगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। फॉर नाउ इट्स गुड बाय।